ज़ियाउर्रहमान बर्क जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, उन पर आचार संहिता उल्लंघन का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। ज़िया भाई, क्या कहना चाहेंगे जो मुकदमा दर्ज हुआ है आप पर? सीधे सीधे लोकतंत्र का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अगर विपक्ष के वो हैं तो हमारे पर अगर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, सत्ता पक्ष गलत गलत अल्फाज बोल रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैंने ऐसा कोई अल्फाज, कोई बयान नहीं दिया जो कि लोकतंत्र के उस जो कि चुनाव आचार संहिता के खिलाफ आता है, लेकिन इस टाइप की बात करना मुझे अफसोस है, लेकिन मैं कोर्ट में जाऊंगा, मुझे उम्मीद है मुझे वहां से इंसाफ मिलेगा। जो अतीक का नाम लिया है, मुख्तार अंसारी का FIR में लिखा गया है कि वो एक जाति विशेष के दुर्दांत अपराधी हैं, उनके नाम पर आपने वोट मांगा और जो लोगों को अपील की है कि उनकी कुर्बानी जाया ना जाए, क्या वो अपराधी? आपको कहने से पहले आप ये देखिए, वहाँ की जनता ने इस लोकतंत्र के जरिए वहाँ विधायक और सांसद भी उनको बनाया है। जी जी। और जब वहाँ से उनको बनाया है तो वहाँ के जो सदन है, सदन भी उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? अगर उनका नाम लिया है तो उनका नाम तो आप ख़त्म वहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते संवैधानिक रूप से। लोग सदन भी उनको सम्मान देता है जब उनका इंतकाल हुआ है, उनका नाम लेना। इस कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान? ये क्योंकि हम लोकसभा की सीट को जीत रहे हैं अच्छे वोटों से, इसने ये बौखला करके इस आकर के इस टाइप का झूठा मुकदमा लिखवा रहे हैं जो कि गलत है, और इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जनता इनको इस चुनाव जो मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी है, आने वाली 7 तारीख में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। जनता मुझे इनका BJP का सुपड़ा साफ करके मुझे अच्छे वोट जिता करके जनता जवाब दे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, वही पूरी जनता, वो सारे घुसपैठिए जो है ना, जो उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उनको जवाब जनता 7 तारीख में देगी उनको। ठीक है, ज़ियाउर्रहमान बर्क का साफ तौर पर कहना है कि जो जनता है वो 7 तारीख को इसका जवाब देगी, और उन्होंने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया है। उबैदुर्रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, संभल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।